नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, और इंडियन पॉलिटी के बारे में आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, काफी महत्वपूर्ण जानकारी हमारी रहने वाली है। तो इससे पहले साथियों, हमने क्या क्या पढ़ा था वो मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। सबसे पहले साथियों, हमने भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत संविधान के बारे में देखा था कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं। तो संविधान हमने देखे थे साथियों, एक आपके होते हैं लिखित संविधान और एक होता है आपका अलिखित संविधान, ठीक है। उसके बाद में संविधान की प्रकृति कैसी होगी, कठोर संविधान और आपका लचीला संविधान, जिसमें साथियों संविधान में संशोधन करना आसान हो उसे हमने क्या बोला था, वो है लचीला संविधान, और जिसमें संशोधन करना मुश्किल हो उसको हम कठोर संविधान की श्रेणी में रखते हैं। तो ये जानकारी हमने इससे पहले वाले वीडियो में ली थी साथियों, और उसके बाद में हमने जो जानकारी ली थी उसमें राज्य के कितने तत्व होते हैं आवश्यक, उसके बारे में जानकारी ली थी, और राज्य क्या है इसके बारे में जानकारी ली थी कि राज्य हम किसे कहेंगे। सबसे पहले साथियों, किसी भी राज्य को या देश के लिए क्या चीज जरूरी होती है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इसके लिए एक देखा था हमने निश्चित भूभाग, यानी एक भूमि होनी चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए उनके पास में, और उसके बाद भूमि होने के बाद में जनसंख्या होनी चाहिए। अगर साथियों, जैसे मान लो ये भूमि तो है लेकिन इस भूमि पर बसने के लिए लोग नहीं है, रहने के लिए कोई भी मनुष्य नहीं है, तो फिर आप बताइए उस देश का क्या अस्तित्व होगा। इसलिए साथियों, ये जो भूमि है इसके साथ यहाँ पर इस प्रकार से मनुष्य भी होना चाहिए, ठीक है। और मनुष्य के बाद में साथियों, इन मनुष्यों के बीच में किसी भी प्रकार का लड़ाई दंगा झगड़ा ना हो उसके लिए, या फिर उस ये जो मनुष्य है उनमें शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें एक सरकार की जरूरत होती है, तो ये होगी सरकार। अब साथियों, सरकार के बारे में भी हमने एक और जानकारी ली थी कि सरकार के पास में संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता का मतलब साथियों, मैंने आपको बताया था कि निर्णय लेने की क्षमता, और आपने जो निर्णय लिया, जैसे मान लो ये जो देश है ए नाम का देश मान लेते हैं, और इसमें निवास करने वाले जितने भी नागरिक है उन पर कानून बनाने का कार्य ये जो ए नाम का देश है इसी का है। अगर इसको कोई भी दूसरा देश या बाहरी कोई भी संस्था प्रभावित करती है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई संगठन जो बन रखा है, अगर वो प्रभावित कर रहा है तो इसका मतलब है उसके पास में संप्रभुता नहीं है। तो साथियों, मैंने क्या बताया आपको कि संप्रभुता होनी सबसे ज्यादा जरूरी चाहिए, आवश्यक तत्व है। अब साथियों, ये चीजें तो हो गई। अब जैसे मान लो इसमें निश्चित भूभाग, तो ये हमारा निश्चित भूमि हो गई। जनसंख्या, जो कि साथियों इसके अंदर निवास करने वाले जो आम आदमी है, नागरिक है, जैसे हम भारतीय हैं तो हम भारत के नागरिक है, उसी प्रकार ये तो होगी जनसंख्या और सरकार। और संप्रभुता के बारे में आगे चर्चा करेंगे। आज हम जो जानकारी लेंगे वो सरकार के बारे में जानकारी लेंगे कि सरकार क्या होती है, सरकार का चुनाव कैसे होता है और सरकार के क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले देखेंगे साथियों सरकार क्या है, ठीक है, और इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी लेंगे। और अगर आपको साथियों इस तरह के स्टडी मटेरियल का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और वहां पर आपको क्या है इस तरह के स्टडी मटेरियल का पीडीएफ मिल जाएगा। तो सबसे पहले साथियों देखते हैं सरकार क्या होती है। सरकार सबसे पहले इसका अर्थ अगर समझते हैं साथियों, एक ऐसी संस्था होती है जो अपने नागरिकों के लिए विकास, नागरिकों का विकास। अब जैसे मान लो साथियों, सबसे पहले हमने क्या देखा था, एक तो आपका यहाँ पर हो गया, एक मिनट, ये हो गई आपकी भूमि, ठीक है। अब इस निश्चित भूभाग में होगी जनसंख्या। अब इस जनसंख्या के लिए हमने क्या है सरकार बनाई। सरकार क्यों बनाई साथियों, वो इसलिए बनाई कि ये जो नागरिक है इस देश के अंदर जो रह रहे हैं, ए नाम का जो एक राष्ट्र है, कोई भी एक्स वाई जेड जो आप समझ सकते हो, इसके भीतर में जितने भी नागरिक निवास कर रहे हैं उन नागरिकों के लिए एक तो नागरिकों का विकास होना चाहिए और उनका कल्याण होना चाहिए। इस कल्याणकारी कार्य को सुनिश्चित करने के लिए और उसको जारी रखने के लिए साथियों हमें आवश्यकता होती है सरकार की। इसलिए साथियों, सरकार के बारे में आज का हमारा काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, और सरकार में सबसे पहले हम देखेंगे सरकार का अर्थ। समझ लिया साथियों सरकार का अर्थ क्या होता है।
और उसके बाद में सरकार के जो तीन अंग यहाँ पर बताए गए हैं उन अंगों के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। सबसे पहले साथियों मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपकी विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका। अब साथियों इनके बारे में अलग अलग जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात आती है विधायिका की, ठीक है। विधायिका का काम क्या होता है भाई? ये काम होता है इनका कानून बनाना, यानी कानून बनाने का काम किसका है? ये है साथियों विधायिका का। अब साथियों अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन, चलो कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं भी पूछे तब भी अगर आपसे कोई भी ऐसे नॉर्मल बातचीत करते समय बोल देता है कि भाई ठीक है अच्छा आप तैयारी कर रहे हो तो आप बता दीजिए कि कानून बनाने का क्या किसका कार्य और विधायिका का क्या काम होता है। तो साथियों आपको पता होना चाहिए विधायिका का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है आपका कानून बनाना, ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं साथियों कार्यपालिका की। जब कार्यपालिका की बात आती है तो साथियों सबसे पहले आप देखिए कार्यपालिका का काम है विधायिका ने कानून बनाकर अपना काम कर दिया कंप्लीट, ठीक है। अब बना हुआ कानून लागू करने के लिए साथियों कार्यपालिका की जरूरत होती है। इसका मतलब हो गया कार्यपालिका का कार्य होता है कानून को लागू करना, ठीक है। अब दो चीज क्लियर हो गई आपकी, कानून बनाएगा कौन? विधायिका बनाएगी। कानून लागू कौन करेगा साथियों? वो आपकी कार्यपालिका करेगी, ठीक है। दोनों के काम अलग अलग है, एक कानून बना रही है और दूसरी कानून को लागू कर रही है उसी कानून। अब आगे साथियों चलते हैं तो बात आती है किसकी? वो आती है साथियों आपकी न्यायपालिका की। न्यायपालिका का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य होता है यहाँ पर, क्यों समझिए। तो यहाँ पर साथियों सबसे पहले आप देखिए कानून बन गया किसके द्वारा बनाया गया? आपकी विधायिका के द्वारा, ठीक है। विधायिका ने कानून बनाकर भेज दिया किसके पास? कार्यपालिका के पास कि भाई हमने ये कानून बना दिया आप लागू कीजिए। जैसे ही कार्यपालिका ने कानून को लागू किया बात यहाँ पर आई कि कानून क्या सही है या फिर ऐसा कानून बना दिया गया है जिससे आम आदमी का हित प्रभावित हो रहा हो, नंबर एक बात। दूसरी बात साथियों यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपके द्वारा बनाया गया कानून हमारे देश का जो संविधान है उसकी मूल आत्मा उसकी मूल संरचना में किसी भी प्रकार का बदलाव ना करने वाला हो तो या फिर संविधान का उल्लंघन ना करने वाला हो। इस चीज को कौन परखेगा कि इनके द्वारा बनाया गया कानून सही है? क्या इनके द्वारा लागू किया गया कार्यपालिका और विधायिका ने दोनों ने क्या अपना कार्य सही तरीके से किया है इसकी जानकारी कौन रखेगा? वो रखेगा साथियों न्यायपालिका। अब न्यायपालिका साथियों एक स्वतंत्र है, क्यों है वो जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सबसे पहले साथियों आप यहाँ पर देखिए न्यायपालिका कानून का संरक्षण करता है, यानी कानून जो बना है उसका रक्षक और उसको संरक्षण प्रदान करने वाली एक संस्था है उसको हम न्यायपालिका कहते हैं, ठीक है। और ये क्या देता है कि कोई भी कानून जो बनाया गया है वो संविधान का उल्लंघन ना करे। कानून की व्याख्या करना भी न्यायपालिका का काम होता है। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र एकीकृत है, यानी साथियों न्यायपालिका का कार्य विधायिका और जो कार्यपालिका है उसका हस्तक्षेप न करना, यानी जो कार्य कर रही है हमारी न्यायपालिका। अब न्यायपालिका जैसे मान लो साथियों इसने काम कर दिया, विधायिका ने बोला ठीक है हमने ये कानून बनाकर किसको दिया? ये दे दिया कार्यपालिका को कि भाई ठीक है हमने कानून बना दिया आप लागू कर दीजिए। और कार्यपालिका ने क्या किया? लागू कर दिया उसी कानून को वैसे का वैसे। लेकिन साथियों आगे बात आती है हमारा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है या न्यायपालिका जो है उसका काम आता है, तो ये जांच पड़ताल करती है कि इनके द्वारा बनाया गया कानून क्या सही है। लेकिन साथियों कानून ये दोनों बनाने का लागू करने का काम तो इन्होंने कर दिया, लेकिन अब न्यायपालिका अगर उस कानून को निरस्त करती है या फिर उसमें सुधार के लिए वापस भेजती है तो ये न्यायपालिका के कार्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे या फिर बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे कि हमने बना दिया कानून
वही सही है। इसका मतलब क्या हो गया साथियों, यहाँ पर कानून बनाने वाला विधायिका है, लागू करने वाली कार्यपालिका है, और इन दोनों के द्वारा किया गया काम क्या सही है इसकी जांच पड़ताल करने के लिए न्यायपालिका है, जो कि साथियों संविधान का रक्षक माना जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। कानून बनाने वाली जो सबसे बड़ी संस्था साथियों, इसको हम कहते हैं संसद, यानी साथियों पार्लियामेंट, ठीक है। अब उसके बाद जब आप आगे देखेंगे तो साथियों, जब संसद के द्वारा क्या है कानून बना दिया जाता है, तो उसके बाद यहाँ पर कानून बनाने के बाद में वो जो कानून है आपके लागू हो गया। मान लीजिए न्यायपालिका ने बोल दिया ठीक है ये कानून सही है, कार्यपालिका ने लागू कर दिया और आपके बनाने वाले ने बना दिया, सब काम हो गया, कानून बन गया। अब क्या वो कानून भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों पर लागू होगा? तो इसका मतलब है हाँ, यानी अगर कोई भी नागरिक, अगर हमारे देश का नागरिक है, वो चाहे किसी भी देश में रह रहा हो, चाहे वो अमेरिका में रह रहा हो, या फिर आपका कनाडा में, या पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, महाराष्ट्र, कहीं पर भी रह रहा हो, महाराष्ट्र में रहेगा तो अपने देश में। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे आगे नागरिकता का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी हम क्लियर करेंगे, लेकिन साथियों जो नागरिक हम निवासी राज्यों के हैं, नागरिक भारत के हैं, लेकिन साथियों अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, भारत में भी इससे पहले दोहरी नागरिकता थी जेएनके के अंदर साथियों, जो कि साथियों जैसे यहाँ पर आपका धारा 370 जो अनुच्छेद 370 था, आपका यहाँ पर 370 वाला अनुच्छेद तोड़ करके क्या कर दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उसके बाद में वहाँ पर की जो दोहरी नागरिकता वो समाप्त हो गई। नहीं तो इससे पहले भारत का सिर्फ एक मात्र राज्य था जम्मू कश्मीर, जिसके पास दोहरी नागरिकता थी, ये अपवाद था। बाकी साथियों भारत में एक ही नागरिकता है, नागरिकता कहाँ से ली गई ये जानकारी हम आगे लेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, तो ये देश के बाहर रहे या फिर अंदर रहे, कहीं पर भी रहे, इन पर कानून सभी पर लागू होगा जो देश के नागरिक होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, तो यहाँ पर संसद के तीन अंग होते हैं, अंग तीन है संसद के, संसद एक ही है, अंग तीन है, सदन दो है। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले साथियों आपकी बात आती है लोकसभा की, लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति महोदय, इन तीनों को मिला करके क्या बनती है, संसद बनती है। अब साथियों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि अंग कितने होते हैं, तीन होते हैं, सदन कितने होते हैं, दो होते हैं, दो कौन कौन से सदन होते हैं, एक है आपका लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, और अंग आ जाए जहां पर भी तब आपको पता है तीसरा राष्ट्रपति उसमें शामिल हो जाएगा, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ओके। अब बढ़ते हैं आगे कि लोकसभा को क्या कहते हैं साथियों, लोकसभा को यहाँ पर कहते हैं निम्न हाउस, ओके, ये है आपका निम्न सदन, ओके। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो राज्यसभा की बात आएगी, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, इनमें से एक सदन स्थाई है, ठीक, और दूसरा है अस्थाई। कौन सा अस्थाई है, कौन सा स्थाई है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है उनके बारे में आगे जानकारी लेंगे, राज्यसभा के सदस्य किस तरीके से चुने जाते हैं, सबसे ज्यादा किस राज्य के सदस्य हैं उनके बारे में भी मैं आपको आगे डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पास में सिर्फ और सिर्फ क्या है साथियों, एक नाम मात्र का प्रमुख होता है राष्ट्र का, बाकी शक्तियां जो वास्तविक शक्तियां वो प्रधानमंत्री में निहित होती है भारत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, बात करते हैं कार्यपालिका की, तो कार्यपालिका का काम सबसे पहले साथियों मैं आपको यहां पर बता देता हूं, कार्यपालिका में शामिल कौन होता है साथियों, तो यहां पर आप देखेंगे मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का भाग होता है, जो कि साथियों अस्थाई है मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है साथियों, जैसे मान लो प्रधानमंत्री ने अगर इस्तीफा दे दिया तो पूरा मंत्रिपरिषद या फिर जो सरकार है वो क्या हो जाएगी, बिखर जाएगी या फिर भंग हो जाएगी। ऐसी स्थिति में साथियों क्या है, इसको हम अस्थाई मानते हैं, यानी ये परमानेंट नहीं होती, ठीक है,
जबकि राज्यसभा है वो स्थाई है, अस्थाई नहीं है, बल्कि उसमें क्या है, चुनाव जिस हिसाब से होते हैं वो मैं आपको आगे डिटेल में बता दूंगा। अभी आपका काम है सिर्फ ये जानकारी लेना कि लोकसभा जो है वो अस्थाई है और राज्यसभा है वो स्थाई है, यानी मंत्री परिषद है वो अस्थाई है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अब कार्यपालिका में ये जो आपके ब्यूरोक्रेट्स जो आते हैं यहाँ पर नौकरशाही, जिसमें कार्यपालिका का ये भाग होते हैं, और ये होती है आपकी स्थायी कार्यपालिका। क्यों? क्योंकि साथियों जैसे मान लो 5 साल के बाद में चुनाव में अगर अभी जो भी प्रधानमंत्री आने वाले समय में मान लो चुनाव हार गए तो प्रधानमंत्री वही बने, कोई जरूरी नहीं है, जीत गए तो बन जाएंगे। लेकिन साथियों ये जो नौकरशाही है, अब नौकरशाही में कौन कौन आते हैं साथियों, आपके ब्यूरोक्रेट्स में आते हैं आपके यहाँ पर, एक चेंज कर देता हूँ उसको, अभी देखिए यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स में साथियों चाहे आपका आईएएस हो या फिर आईपीएस या फिर अवदार, यानी एक कॉन्स्टेबल ही क्यों न हो जो देश की शासन को व्यवस्था को या फिर साथियों आपके देश में शांति बनी रहे, इसमें जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं चाहे वो नगर पालिका के हो चाहे किसी भी सिस्टम से हो, वो गवर्नमेंट कर्मचारी अगर है तो वो सब किसके भाग है साथियों, कार्यपालिका के। और कौन सी कार्यपालिका, ये है परमानेंट। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई आईपीएस बनेगा कोई आईएएस बनेगा तो 5 साल के लिए बनेगा उसके बाद में फिर उसका चुनाव होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये तो हो गए आपके स्थायी कार्यपालिका का भाग, और ये वाले हो गए आपके अस्थायी कार्यपालिका के भाग, यानी ये कभी भी इनका 5 साल भी रहे ये जरूरी नहीं है, सरकार 5 साल रहे। प्रधानमंत्री अगर साथियों आपका विश्वास मत अगर नहीं प्राप्त कर पाता तो ये सरकार बीच में गिर भी जाती है, जैसा कि साथियों आपने देखा अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे एक बार ऐसा हुआ था। आगे बढ़ते हैं साथियों, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए सरकार का एक और अंग होता है, कौन सा होता है साथियों, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और उसको हम कहते हैं साथियों मीडिया। ठीक है, तो मीडिया वाला जो ये स्तंभ है ये वर्तमान समय में इसकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है मीडिया की, क्योंकि साथियों सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय हम आम आदमियों तक या फिर आम नागरिकों तक पहुंचाने का कार्य होता है मीडिया का। लेकिन 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 अभी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दूंगा साथियों, मीडिया संविधान में इसका क्या है प्रावधान तो नहीं है, लेकिन फिर भी साथियों ये सरकार और नागरिकों के मध्य मध्यस्थता का काम करता है, इनके बीच में क्या करता है, मध्यस्थता का काम करता है। ठीक है, लेकिन अभी कुछ मीडिया वाले ऐसे होते हैं जो क्या करेंगे, आप समझ गए होंगे, तो वो क्या करते हैं, उन्हीं की राग बोलते हैं, जो उनको आदेश दिया जाता है कि आपको ये बोलना है तो वही बोलते हैं। यानी अगर बिकाऊ मीडिया ना हो तो साथियों यहाँ पर मीडिया का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होगा देश के संविधान को बचाए रखने में और संविधान को अच्छे से लागू रखने में, बनाए रखने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा तो वो है आपका मीडिया का। अगर मीडिया सही तरीके से काम करेगी तो साथियों आपके चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो या राष्ट्रपति हो, किसी के अंदर इतना हिम्मत नहीं कि वो अपने हिसाब से जो चाहे वो कर दे। अगर मीडिया ने उस कोई भी टॉपिक है अगर उन्होंने वास्तविक कोई भी चीज देख ली और बोल दिया कि ठीक है भाई ये चीज इस तरीके का निर्णय लिया जा रहा है, तो आम नागरिकों को जैसे ही ये खबर पहुंचेगी मीडिया के माध्यम से, तो अगर उनको सही तरीके से कोई बताने वाला होगा कि ये जो संसद ने कानून बनाया सही नहीं है, और ये मीडिया अगर बताएगा सही नहीं है, तब क्या होगा, आम आदमी उस चीज में क्या है वापिस उसका विरोध करके उस कानून, जैसे कृषि कानून जो है उसके बारे में या फिर किसी भी प्रकार के कुछ कानून ऐसे बन जाते हैं जिनको क्या है निरस्त करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में साथियों आप देख रहे हो कि मीडिया की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इसी की होती है, और अगर ये अपना कार्य सही तरीके से निभाए तो इसमें मुझे तो जहां तक लगता है कि किसी भी प्रकार का कुछ भी
सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं हो सकता, लेकिन ये बस अपना काम है वो बखूबी से और अच्छे से निभा दे बस। ओके, सरकार के दो प्रकार, ओके, अब सरकार के दो प्रकार है, तो एक हो गया आपका लोकतंत्र और दूसरा हो गया आपका राजतंत्र। ठीक है, अब राजतंत्र में क्या होता है साथियों, राजतंत्र में बस क्या है, राजा का शासन होता है और सारी शक्तियां, सभी शक्तियां जितनी भी होती है वो राजा में होती है। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है, लोकतंत्र में जनता का शासन होता है और जनता ही इसमें सर्वोच्च होती है, यानी साथियों जनता से ऊपर इसमें कोई नहीं होता, ये है आपका यहाँ पर। अब साथियों आगे लोकतंत्र की परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले साथियों जो लोकतंत्र की परिभाषा जो दी है वो साथियों आपके यहाँ पर अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, इन्होंने दी है। तो इन्होंने क्या कहा है साथियों वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लोकतंत्र सबसे पहले जो परिभाषा दी अब्राहम लिंकन ने दी थी साथियों, और इन्होंने क्या कहा था, बाई द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, यानी कि साथियों जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। यानी सबसे पहले इसमें आपने एक चीज देखी, जनता को सबसे ज्यादा मेन जो धुरी होती है वो जनता को बनाया गया है, न कि प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को या राज्यसभा को नहीं बनाया। यहाँ पर जनता को सबसे ज्यादा मेन धुरी के रूप में इस्तेमाल किया गया है, यानी जनता का और जनता के द्वारा और जनता के लिए ही किया गया जो भी शासन है उसको लोकतंत्र कहते हैं। ये लोकतंत्र की परिभाषा सबसे ज्यादा अभी वर्तमान समय में अगर देखते हैं तो अभी तक जितनी भी परिभाषाएं लोकतंत्र की दी गई है उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए हो जाती है कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी, ये जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। आगे बढ़ते हैं, तो लोकतंत्र में जनता सबसे पहले साथियों बनाती है क्या, संविधान बनाती है। ठीक है, आपने देखा क्या, लोकतंत्र में जनता सबसे पहले बनाती है संविधान, और संविधान के बाद में साथियों इसी संविधान के अनुसार ही वो क्या करती है, अपनी सरकार बनाती है, और उसी सरकार के द्वारा जनता पर शासन किया जाता है। शासन किसके द्वारा किया जाता है, वो साथियों आपके संविधान में जो भी उल्लेख किए गए जिन जिन नियमों का जो जो प्रावधान किए गए हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके सरकार जनता पर शासन करती है। तो ये साथियों इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी। आगे बढ़ते हैं साथियों, तो ये आपने देखा यहाँ पर राजतंत्र में रहने वाले लोगों को प्रजा कहा जाता है। ठीक है, राजतंत्र में जो रहेंगे उसको प्रजा कहेंगे, लेकिन साथियों लोकतंत्र में रहने वालों को प्रजा न कहते करके नागरिक कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे अगर प्रजा को सिर्फ कर्तव्य मिलते हैं कि तुम्हें ये काम करना है, और वो कर्तव्य किसकी तरफ से होंगे, राजा की तरफ से होंगे, लेकिन साथियों लोकतंत्र में ऐसा नहीं है, लोकतंत्र में आपको अधिकार मिलते हैं, राइट्स मिलते हैं, जैसा कि साथियों आपको मूल अधिकार मिले हुए हैं। जबकि आप जैसे मान लो अभी आप इंडिया में रह करके आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। ठीक है, और एक है नॉर्थ कोरिया, जहाँ पर अगर आपने जो किम जोंग है वहाँ के, अगर उनकी स्टाइल में आपने हेयर कटिंग कर दी तब भी वहाँ पर क्या हो जाता है वो आपको पता है साथियों, और चाइना में तो आपको पता है चाइना में क्या होता है। तो वैसे साथियों अगर देखा जाए तो जो लोकतंत्र है वहाँ पर क्या है, जनता को राइट्स मिलते हैं, अधिकार मिलते हैं, जैसा कि हमें मिले हुए हैं मौलिक अधिकार। तो उसी प्रकार साथियों यहाँ पर जो राजतंत्र होता है वहाँ पर कोई मौलिक अधिकार नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को क्या दिए जाते हैं साथियों, कर्तव्य दिए जाते हैं, और ये कर्तव्य प्रजा को मिलते कहाँ से हैं, राजा की तरफ से मिलते हैं। लेकिन साथियों कर्तव्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ राजा का कहना मानना या फिर आज्ञा होती है राजा की कि भाई जनता को क्या करना है क्या नहीं करना है, ये साथियों इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। आगे बढ़ते हैं साथियों और थोड़ी और जानकारी लेते हैं यहाँ पर लोकतंत्र जो कि साथियों क्या है, डेमोक्रेसी शब्द से मिलकर बना हुआ है, और डेमोक्रेसी जो शब्द है उसको हम देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए आप डेमो यहाँ पर पीपल,
और रूल ऑफ द पीपल, यहाँ पर साथियों डेमोक्रेसी का मतलब है रूल। तो सबसे पहले साथियों यहाँ पर आप देखिए लोकतंत्र का मतलब अगर हम देखेंगे तो एक होगी आपकी जनता, ठीक है, और एक हो गया रूल करने वाला या फिर हमारी सरकार। और रूल किस आधार पर करेगी साथियों, वो करेगी जो कानून हमारे संसद ने बनाया था, कब, जब संविधान बन रहा था उस समय, और उसी संविधान के अनुसार हमारे ऊपर सरकार क्या करती है, अपने नए नए नियम बनाती है, और उन नियमों से क्या है देश में शासन व्यवस्था सही तरीके से चलती है। अब देखते हैं आगे लोकतंत्र के दो प्रकार। अब साथियों लोकतंत्र के दो प्रकार हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपके दो प्रकार कौन कौन से लोकतंत्र के दो प्रकार साथियों, एक है आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और एक होता है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जनता जब अपना शासन खुद चलाए तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, जैसे कि ग्राम सभा। अब गांव में मान लो एक छोटा सा गांव है जिसमें 100-150 घर होते हैं, 1000-1500 लोग होते हैं मतलब वोट देने वाले, और उन 1000-1500 को अगर किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय लेना है तो ग्राम सभा में जैसे सरपंच साहब बोलेंगे भाई ठीक है कल मीटिंग है, तो वहाँ पे वार्ड पंच वगैरह भी आ जाते हैं और गांव के जितने भी वोटर्स होते हैं वो लगभग अगर गांव में कोई रह रहा है तो वो आराम से इकट्ठे होकर किसी भी टॉपिक पर आराम से चर्चा कर लेते हैं। तो ये तो हो गया आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता अपना शासन खुद चलाती है, सबसे बेहतर उदाहरण है ग्राम सभा का। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र साथियों यहाँ पर आप देखिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में साथियों जनता जब क्या करती है अपना शासन खुद न चलाकर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से चलाती है, जिससे कि आपके लोकसभा और राज्यसभा में जो भी कानून बनाए जाते हैं निर्णय लिए जाते हैं वो इसके आधार पर लिए जाते हैं। अब आप बताइए ये तो हो गया अप्रत्यक्ष और ये हो गया आपका प्रत्यक्ष, कैसे इसमें गांव में तो ठीक है 1000 आदमी है मान लीजिए आपको, तो 1000 में से 100 जो परिवार है 100 परिवार के जो भी मुखिया है उन 100 को यहाँ पर बुला लिया सरपंच ने, और यहाँ पर आपके कौन कौन आ गए वार्ड पंच वगैरह भी आ गए साथ में उप सरपंच भी आ गए और सब ने मिलकर के एक निर्णय ले लिया, तो ये तो हो गया गाँव के लिए प्रत्यक्ष। लेकिन साथ जब बात आती है बड़े लेवल की, देश के अंदर कितनी जनता, 121 करोड़ तो बहुत पुरानी बात होगी, अभी वर्तमान समय में 135 से 40 के बीच में चल रही है लगभग जनसंख्या। तो क्या इतनी जनसंख्या को एक साथ बुला करके यहाँ पर इस तरह का निर्णय दिया जा सकता है, तो इसका मतलब है नहीं। तो ऐसे स्थिति में साथियों अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में इस जनता के द्वारा चुना गया जो भी आपका एमपी एमएलए है वो यहाँ पर क्या करता है, अप्रत्यक्ष रूप से जो हमने चुन के भेजा है प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर चुना है, लेकिन यहाँ पर वो अप्रत्यक्ष रूप से इसी जनता का क्या करता है प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। मतदान से संबंधित यहाँ पर आप कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपको क्या है साथियों नोट्स में मिल जाएगा जो पीडीएफ आप पढ़ लीजिए, लोकतंत्र शासन प्रणाली के प्रकार। तो यहाँ पर साथियों लोकतंत्र में ही दो प्रकार की शासन प्रणाली है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए साथियों ये है आपकी अध्यक्षीय शासन प्रणाली, ये तो होगी अध्यक्षीय प्रणाली, और दूसरी होगी आपकी साथियों संसदीय प्रणाली। ठीक है, तो ये संसदीय प्रणाली है और ये है साथियों आपकी अध्यक्षीय प्रणाली। अध्यक्षीय प्रणाली के अंदर क्या होता है साथियों वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर जो शक्तियाँ होती है वो शक्तियों का विभाजन किस आधार पर होता है नंबर एक पर, और दूसरी बात साथियों विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस प्रणाली में साथियों नाम मात्र का प्रधान और वास्तविक प्रधान दोनों कौन होते हैं, वो होते हैं साथियों आपके राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति ही यहाँ पर सर्वेसर्वा होता है, यानी सबसे पहले साथियों आपने क्या देखा राष्ट्रपति के पास में नाम मात्र की शक्तियां भी होगी और आपके यहाँ पर वास्तविक शक्तियां भी होगी, दोनों प्रकार की शक्तियां होगी। जैसा कि साथियों भारत में आप देखेंगे तो वास्तविक शक्तियां होगी प्रधानमंत्री के पास जबकि नाम मात्र की शक्तियां होती है राष्ट्रपति के पास में। तो ये साथियों ऐसी शासन प्रणाली है जो कि स्थिर रहती है, ठीक है, स्थायी है।
लेकिन साथियों भारत में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है वो हम आगे जानकारी लेते हैं डिटेल में। और उसके बाद साथियों आप यहाँ पर जो संसदीय प्रणाली है इसके अंतर्गत देखेंगे तो इसमें साथियों इनका जो जिस प्रकार हमारी संसद काम करती है उसी प्रकार ये जो आपकी संसदीय प्रणाली काम करती है। तो यहाँ पर संसदीय प्रणाली सबसे पहले साथियों हमने क्या है ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली। वहाँ पर क्या है लिखित संविधान नहीं है लेकिन साथियों बहुत सारा जो चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो इनका जो प्रावधान है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। तो यहाँ पर साथियों आपने देख लिया कार्यपालिका पूरी तरह से नियंत्रण होती है और यानी साथियों कार्यपालिका विधायिका का भाग होती है और न्यायपालिका हमेशा इसमें ये जो संसदीय प्रणाली होती है वहाँ पर न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। न्यायपालिका ने जो भी कार्य या जो संसद में लोकसभा ने कोई भी कार्य बनाया ये कानून बनाया आपका कानून बनाने के बाद में कार्यपालिका ने कानून को लागू कर दिया। लेकिन साथियों यहाँ पर समझने की बात है जैसे मान लो यहाँ पर आपका कानून बन गया ठीक कानून बनने के बाद में कार्यपालिका ने लागू कर दिया तो क्या वो कानून बना हुआ और लागू जिसने किया है क्या सही है इसका जो निर्णय लेने का जो अधिकार है वो है हमारी न्यायपालिका के पास में। और इसीलिए साथियों न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है ताकि हमारे इस कार्य में या जो कानून जो बना है उसकी जांच पड़ताल करने में न्यायपालिका के काम में टांग न अड़ाए कौन ये आपकी कार्यपालिका और विधायिका जिसने कानून बनाया है। तो इसलिए साथियों ये एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो अध्यक्षीय प्रणाली साथियों आपको कहाँ देखने को मिलेगी यूएसए में जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले ठीक है। और संसदीय प्रणाली साथियों ब्रिटेन में देखने को मिलती है यहाँ पर आप देखिए और भारत में भी ये प्रणाली कहाँ से ली है साथियों ब्रिटेन से अपनाई है। और यहाँ पर साथियों भारत में नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है ये होता है आपका राष्ट्रपति जबकि वास्तविक जो प्रमुख होता है वो मंत्रिपरिषद और उसका प्रधान होता है। मंत्रिपरिषद का प्रधान या फिर प्रमुख मुखिया कौन होता है वो होता है आपका पीएम ठीक है प्रधानमंत्री। तो इसका प्रमुख जो विशेषता है वो साथियों है उत्तरदायित्व से संबंधित वो जानकारी आपको यहाँ पर मिल चुकी है। आशा करता हूँ साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी और अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो साथियों आप हमारे इस चैनल का जो ये स्टडी मटेरियल है वो अपने दूसरे भाई बहनों तक शेयर करने में हमारी मदद करें और उन तक ये जो PDF है इसका जो स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा वो आप उन तक शेयर कर सकते हो। और आगे साथियों यहाँ पर हमने नाम मात्र का प्रधान और वास्तविक जो प्रधान होता है इसके बारे में जानकारी ले लिए। ये है पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। आगे बढ़ते हैं साथियों तो लोकतंत्र में यहाँ पर शक्तियों का विभाजन किस आधार पर किया गया साथियों तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे ये आपकी एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था में क्या क्या प्रावधान होता है और संघात्मक व्यवस्था है ये क्यों अलग होती है उससे उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। और इन शक्तियों का विभाजन है वो किन आधारों पर किया गया है जो कि आपने यहाँ पर देखा संघात्मक और एकात्मक इसके बारे में भी आपको डिटेल से जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। अब साथियों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले साथियों हम यहाँ पर वो जानकारी आपकी रहने वाली है एकात्मक व्यवस्था जो कि ब्रिटेन में देखने को मिलेगी ठीक है। जैसा कि इससे पहले हमने बताया था कि ब्रिटेन में क्या है एकात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। और यहाँ पर संघात्मक व्यवस्था का सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देखने को मिलेगा वो आपका यूएसए में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है एकात्मक व्यवस्था जो कि ब्रिटेन में है। तो यहाँ पर साथियों सभी शक्तियाँ केंद्र के पास होती है यानी शक्तियाँ जितनी भी होगी वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास होगी केंद्र के पास होगी। क्या भारत में ऐसा है इसकी भी हम तुलना करेंगे। और राज्य जो होता है साथियों केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है और काम उतना ही करता है जितना उसको निर्देश दिया जाता है। जैसे मान लो मैं घर से मेरे को पापा जी ने भेजा बोलो बेटा जा सामान लेके आ घर से अपने घर के लिए दुकान से सामान लेके आ। तो अब मैं क्या करूँगा दुकान में जाऊँगा और पापा जी ने जितना मुझे आदेश दिया है कि बेटा ये सामान लेके आना है मैं उतना ही सामान लेके आऊँगा उससे ज़्यादा मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार साथियों यहाँ पर क्या है
राज्य जो है जिसकी शक्तियां सारी केंद्र के पास होती है, तो राज्य को सिर्फ केंद्र यही आदेश दे सकता है कि आपको बस ये काम करना है, राज्य अपना अलग से कुछ भी नहीं कर सकता। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर सारी शक्तियां केंद्र के पास होती है। अब साथियों, इसका सबसे महत्वपूर्ण एक उदाहरण मैं आपको देकर बताता हूँ। भारत में मान लो आपातकाल की स्थिति हो गई, युद्ध हो गया, और आपातकाल इससे पहले लगा भी है। जब लगा था आपातकाल, उस दौरान साथियों भारत के जितने भी राज्य थे, उन राज्यों के पास में जितने भी शक्तियां या जो भी पावर था, वो काम पर एकीकरण हो गया, उसका कहां आ गया, केंद्र के पास आ गया। तो ये साथियों आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, केंद्र के पास शक्तियां होती है और वह नए राज्यों को बनाना और उन राज्यों को समाप्त करने का काम भी कर सकता है केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार अगर चाहे तो किसी भी राज्य के नाम में, जैसे मान लो राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, जो भी राज्य है उसके नाम में अगर संसद चाहे, केंद्र सरकार चाहे, तो उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, जैसे यूपी में बाबा आए योगी आदित्यनाथ जी, तो उन्होंने बहुत सारे नामों का क्या है, नामकरण नया अपने तरीके से कर दिया। तो उसी प्रकार साथियों क्या है, यहाँ पर नाम बदल सकता है और सीमा भी बदल सकता है। और सीमा का जैसे ही नाम आया, तो साथियों सीमा आपके साथ पढ़ने वाली नहीं है, यहाँ पर वो सीमा है जो हमारी देश की सीमा होती है। अब साथियों क्या हुआ, बांग्लादेश के साथ में कुछ ऐसे हमारे क्षेत्र थे जो बांग्लादेश में आ रहे थे, और कुछ बांग्लादेश के थे जो हमारे अंदर आ रहे थे, हमारे देश में। ठीक है, लेकिन जो भारत में रह रहे थे उनके पास में नागरिकता बांग्लादेश की थी, और बांग्लादेश में जो रह रहे थे उनके पास में नागरिकता किसकी थी, भारत की थी। और अब क्या हुआ, बाद में एक संविधान संशोधन किया गया, और उसके बाद में साथियों अभी ये लेटेस्ट है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा कि कितने क्षेत्र ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश को दिए गए भारत के द्वारा, और बांग्लादेश से वापस भारत को जो मिले हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इनका इस तरीके से परिवर्तन या आदान प्रदान करना, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, दो राज्य अगर बड़े राज्य हैं तो उनको तोड़ करके अलग राज्य बनाना। क्या आप बता सकते हो मुझे कि जब देश आजाद हुआ था उस समय भारत में टोटल कितने राज्य थे? उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे क्या जनसंख्या बढ़ती गई, तो क्या हुआ, वहां पर न्याय व्यवस्था और वहां पर जो हमारी कानून व्यवस्था वगैरह सबको सही तरीके से सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए और चलाने के लिए क्या है, छोटे छोटे राज्य बनाए गए। और छोटे छोटे राज्य बनाने का मतलब है साथियों किसी एक राज्य में से कुछ हिस्सा तोड़ा होगा और दूसरे में मिला दिया होगा, इस तरीके से करके किया गया। और ये सारी शक्तियां संसद के पास में होती है, वो उसके नाम का बदलाव कर सकती है, नाम कुछ भी अपने हिसाब से रख सकती है। जैसे मान लो आज राजस्थान है, तो राजस्थान का इससे पहले क्या क्या नाम हुआ करता था साथियों, रजवाड़ा है, राजस्थान है, या फिर इससे पहले जो मेवाड़ वगैरह, ये सब अलग अलग थे, रियासतें बनी हुई थी, मेवाड़ है, मारवाड़ है। लेकिन साथियों बाद में जैसे जैसे एकीकरण हुआ, तो उन्होंने क्या है, उन सब का नाम अपने अपने हिसाब से रखा। ठीक है, तो ये साथियों इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। और इसमें राज्यपाल का पद होता है और ऑल इंडिया सर्विस, जिसमें आपके जो IAS IPS अधिकारी वगैरह होते हैं, जैसे मान लो आप राजस्थान में, यूपी, बिहार या पश्चिम बंगाल कहीं से भी हो, लेकिन आपके राज्य में जो कलेक्टर होता है, IAS अधिकारी होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। राज्य आपका है लेकिन कंट्रोल किसका है, केंद्र सरकार का। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों। संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। ठीक है, किसी भी प्रकार का कानून है वो संसद चाहे तो राज्य सूची पर भी बना सकती है, लेकिन साथियों कुछ परिस्थितियों में क्या होता है, उसके लिए राज्यसभा से अनुमति लेनी होती है। राज्यसभा से अनुमति क्यों ली जाती है, क्योंकि राज्यसभा के अंदर साथियों आपके राज्य से भी चुनकर कुछ नुमाइंदे यहाँ पर आपको मिलेंगे राज्यसभा में। हाँ, ये बात जरूर है कि अलग अलग होते हैं, जैसे सिक्किम से कम होंगे तो यूपी से ज्यादा है, राजस्थान से अलग है, MP से अलग है, महाराष्ट्र से अलग है इनकी संख्या। ठीक है, लेकिन इनका क्या है,
प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व यहाँ पर राज्यसभा में देखने को मिलेगा। इसलिए साथियों सभी राज्यों से न पूछ करके राज्यसभा से पूछ लिया जाता है कि हम इस राज्य की सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे मान लो यूपी में यूपी का नाम बदलना है, जैसे यूपी को पहले संयुक्त प्रदेश के नाम से जाना जाता था, आज हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। इसमें बदलाव करने के लिए आने वाले समय में अगर इसको राम राज्य का नाम दिया जाए तब क्या करना होगा साथियों, संसद को कुछ नहीं करना होगा, राज्यसभा में बताना होगा कि भाई हम यूपी का नाम बदल कर राम राज्य कर रहे हैं, ठीक है। तो राज्यसभा को लगा जी ठीक है भाई कर सकते हो आप, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से अनुमति लेकर के ये नाम में बदलाव करना या इस तरीके के निर्णय हमारी संसद कर सकती है। आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पर है संविधान में संशोधन हो सकता है। किसी भी प्रकार का संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। लेकिन साथियों अगर वो संशोधन सही नहीं साबित हुआ और संविधान का अगर उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो ऐसी स्थिति में जो हमारा न्यायपालिका है वो उसको निरस्त कर देता है, ठीक है। इसलिए साथियों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए चल रही है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इसका अच्छे से सदुपयोग कीजिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, तो एकल नागरिकता का यहाँ पर प्रावधान जो कि भारत में भी आपको देखने को मिलेगा, और आपातकाल में सारी शक्तियाँ जो है साथियों वो ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली किसके पास में पहुंच जाती है? केंद्र के पास में पूरी शक्तियां पहुंच जाती है। जैसे आपातकाल लगा और केंद्र क्या है शक्तिशाली हो जाता है किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए, उसको क्या है साथियों राज्य से या फिर राज्यसभा से किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं साथियों, ये आता है आपका संघात्मक व्यवस्था जो कि यूएसए में देखने को मिली। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए यूएसए के अंदर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है साथियों, राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का यहाँ पर विभाजन है, और सबसे बड़ी बात भारत के अंदर साथियों संविधान एक ही है, ठीक है, और जितने भी भारत में राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश है उन सब का एक ही संविधान है जो भारत का है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में अमेरिका का संविधान जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों का भी अपना अपना अलग अलग संविधान है और अलग अलग नागरिकता भी है, यहाँ पर दोहरी नागरिकता है। जैसे भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, इकहरी नागरिकता है। मान लो मैं नागरिक हूँ भारत का, निवासी हूँ किस राज्य का, जिस राज्य से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ से मेरा जन्म हुआ है या फिर जिस राज्य में मैं या मेरे दादा परदादा निवास कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई हरियाणा गए तो वो हरियाणा का निवासी है, नागरिक किसका है? भारत का है। और अगर आप यूपी से देख रहे हो वीडियो तो आप यूपी के सिर्फ और सिर्फ निवासी हो, चाहे आप मेरे को पता नहीं हो सकता आप किसी भी राज्य से देख रहे होंगे वीडियो, वो आप कमेंट करेंगे पता चल जाएगा मुझे। लेकिन साथियों आप उस राज्य के सिर्फ और सिर्फ क्या है निवासी हैं, नागरिक भारत के हैं। ऐसा मत बोल देना कि मैं तो बस जम्मू कश्मीर का नागरिक हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है साथियों। आप नागरिक सिर्फ भारत के हो सकते हो, निवासी उस राज्य के हो सकते हो, क्योंकि भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, जबकि साथियों अमेरिका में दोहरी नागरिकता का है तो वहां पर बात अलग है। अब राज्य सूची, संघ सूची और संवृत्ति सूची, ये तीन सूचियां होती है अलग अलग, इन पर कानून बनाने का साथियों जो अधिकार है किसके पास कितना है वो भी मैं जानकारी आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। लिखित संविधान होता है और सर्वोच्च संविधान होता है यहाँ पर साथियों, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, दोहरी सरकार यहाँ पर आप देख सकते हो राज्य और केंद्र में। दोहरी सरकार का मतलब क्या हो गया साथियों, केंद्र में मान लो बीजेपी की सरकार है और राज्य जैसे मान लो आप राजस्थान के हो तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। इसका मतलब दोहरी सरकार का मतलब ये हो गया कि ये जरूरी नहीं है कि जो सरकार केंद्र में है वही सरकार आपके राज्य में होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। लेकिन साथियों प्रधानमंत्री उसी पार्टी का बनेगा जिस पार्टी को बहुमत मिला है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, अब बात करते हैं भारत की। तो ये संघात्मक व्यवस्था यूएसए की और एकात्मक व्यवस्था ब्रिटेन की, इन दोनों को मिलाकर, क्योंकि भारत ने जो भी संविधान बनाया है भारतीयों ने, तो संविधान बनाने वालों ने क्या किया, अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में उनमें से वही कानून और वही नियम बनाए अपने देश के संविधान को बनाए रखने के लिए, ताकि हमारे देश की जो
सभ्यता है, संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है वो डिस्ट्रॉय ना हो, यहाँ पर सभ्यता और संस्कृति बनी रहे, तो उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर क्या है कानून बनाए गए। और आगे देखते हैं तो भारत में साथियों एकात्मक एवं संघात्मक व्यवस्था के दोनों गुण पाए जाते हैं। एकात्मक जो कि आपके ब्रिटेन में है और संघात्मक यूएसए में, इन दोनों का मिश्रण भारत में देखने को मिलेगा। वो कैसे है साथियों वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले साथियों राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन है, ठीक है, जैसे कि राज्य सूची, समवर्ती सूची और आपकी संघ सूची, ये तीनों सूचियां हैं, ये तीनों भारत में भी है। और उसके बाद में लिखित संविधान है और सर्वोच्च संविधान है भारत में, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है और दोहरी सरकार भी होती है, राज्य में अलग होती है, केंद्र में अलग होती है। और अगर राज्य में भी हुई है सरकार और केंद्र में भी हुई है हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वही सरकार हो उसी पार्टी की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों तो आगे हम जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं, वो जानकारी आपकी यहाँ पर, केंद्र के पास शक्तियाँ होती है और नए राज्यों को बनाना या फिर उन्हें समाप्त करना, यहाँ पर राज्यपाल का पद भी है भारत में, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस जिसमें साथियों आपके ब्यूरोक्रेट्स आते हैं वो शामिल है। संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है, कुछ परिस्थितियों में उसको क्या है राज्यसभा से अनुमति लेनी होती है और संविधान में संशोधन हो सकता है, एक नागरिक है, आपातकाल में केंद्र ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। इस प्रकार साथियों भारत क्या है एक अर्ध संघात्मक देश है, अर्ध संघात्मक मतलब उसमें आपकी संघात्मक व्यवस्था भी देखने को मिलेगी, एकात्मक व्यवस्था भी देखने को मिलेगी, इन दोनों का मिश्रण यहाँ पर भारत में देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये साथियों आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, आशा करता हूँ साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो साथियों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर साथियों हम जो आपकी विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, इन सब के बारे में अलग अलग जानकारी देंगे और वो भी जानकारी आपकी इतनी विस्तार से होगी कि आपका एग्जाम में इनसे संबंधित पूछा जाने वाला कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।